एक किताब है दलाइलुल खैरात शरीफ। यह किताब शुरू भी दुरूद से होती है, खत्म भी दुरूद पे हो जाती है, और तमाम सलासिल के औलिया बिलउमूम और चिश्तिया सिलसिले के जितने वली गुजरे हैं ना, वो सब सुबह सवेरे तिलावत कुरान के बाद इस किताब को वजीफे के तौर पे पढ़ते थे और आज भी पढ़ते हैं। ये पूरी किताब ही दुरूदो सलाम से भरी हुई है। जो ये पढ़ता है ना, उसका ताल्लुक और राबता हो जाता है हुजूर के शहर के साथ, गुंबद खजरा के साथ, उसका फैज फिर मदीने से आता है। ऐसी किताब है। इसके जो राइटर हैं, लिखने वाले, माए बहने बेटियां गौर से सुने, चूंकि एक औरत की बात होने लगी, एक बच्ची की बात होने लगी। अब इससे ये समझना कि कभी हमारा मुकाम क्या था, और आज हर तरफ धूल उड़ गई है। तो वो है हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली रहमतुल्लाह ताला अलैह। बहुत बड़े आलिम और अल्लाह के वली गुजरे। तो किसी ने उनसे पूछा कि आपने ये किताब कैसे लिख दी कि पूरी की पूरी दरूदो सलाम से भरी है। आप रोने लग गए। फरमाया, मेरे साथ एक वाकया पेश आया था, तो फिर खड़े खड़े वहीं पे ना मैंने कसम खाई थी कि अब ऐसी किताब लिखूंगा जो पूरी दरूद से भरी होगी और सलाम से भरी होगी। तो पूछा उसने कि वो क्या वाकया पेश आया था। अब सुनना गौर से। आप फरमाते हैं कि मैंने जोर या असर की नमाज पढ़नी थी और अभी वजू भी करना था, मैं पानी की तलाश में था। काफी तलाश के बाद मुझे एक कुआं नजर आया, तो मैं कुएं पे पहुंचा के वजू करता हूं, पानी निकालता। तो जब वहां पहुंचा तो मैं परेशान हुआ कि कुआं तो था, पानी भी था, लेकिन पानी बहुत गहरा था और कुएं पे डोल और रस्सी नहीं थी। तो मैं परेशान होकर ना इधर उधर देख रहा था कि अब पानी कैसे निकालूं। अब मेरी तरफ देखिए। फरमाते हैं, ये कुआं था और कुएं के साथ जुड़वा किसी गरीब का कच्चा सा मकान था, कच्चा मकान था किसी गरीब का। उस मकान की छत पर 7-8 साल की छोटी सी बच्ची खेल रही थी। उस बच्ची ने मेरी तरफ देखा और मुझे कहने लगी, मन अंता, कौन है आप? मैंने कहा, आना मोहम्मद इब्न सुलेमान अल जजूली। अपना नाम बताया। अब सारी दुनिया इन्हें जानती थी। तो लड़की ने पूछा, बच्ची ने, चाचा क्यों परेशान खड़े हैं? मैंने कहा, मेरी बेटी, मैंने वजू करना आया हूं कुएं पर, लेकिन यहां डोल भी नहीं है, रस्सी भी नहीं है, अब परेशान हूं, पानी कैसे निकालना? कहते हैं, मेरी ये बात सुनकर बच्ची हंस पड़ी, जैसे मजाक नहीं उड़ाते किसी। बच्ची हंसकर मुझे कहने लगी, कहने लगी, अंत الذي يصنع عليك الخير وانت تتهير بما تخرج به الماء من البئر। चाचा, बड़े अफसोस की बात, तेरी विलायत के डंके बस्तियों में बज रहे हैं और कुएं से पानी भी नहीं निकलता तुझसे। आवाज थोड़ी आहिस्ता कर, इको जो है। बड़े अफसोस की बात है चाचा, तेरी विलायत के डंके बस्तियों में बज रहे हैं और नाम इतना गूंज रहा है आबादियों में और कुएं से पानी भी नहीं निकलता। छोटी सी बच्ची मुझे कहने लगी। वो फरमाते हैं, मैंने सोचा भाई शायद इस बच्ची ने मेरी बात नहीं समझी है और सही गौर नहीं किया। मैंने फिर बात दोहराई। मैंने कहा, बेटी पानी बहुत गहरा है, डोल भी नहीं है, रस्सी भी नहीं है, तो वुजू करना है तो पानी कैसे निकालू डोल और रस्सी के बगैर? आप फरमाते हैं, बच्ची नीचे नहीं उतरी छत से, ऊपर से ही ना छत की तरफ से झुक गई कुएं की तरफ और मुझे कहने लगी, चाचा मैं बताती हूं पानी कैसे निकालना। मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं, उस बच्ची ने छत के ऊपर से ना कुएं में थूक दिया, थूक फेंक दी उसने। कहते हैं, लोगों, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं अंदाजा नहीं कर सका कि बच्ची का थूक नीचे पहले पहुंचा है या पानी उछल के पहले बाहर निकला है। कुआं फव्वारा बन गया और पानी उसके किनारों से बाहर आने लगा और बच्ची हंसकर कहने लगी, चाचा पानी ऐसे निकालते हैं, अब कर ले, यूं पानी निकलता है। मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं, लोगों, मुझे वजू भूल गया।
मैंने यूं हाथ बांधे बच्ची का, मैंने कहा उठ से मुके मिलना बिमान इल्तिहाद हिल मंजिला। मैंने कहा मेरी बेटी अब मैं वजू बाद में करूंगा, पहले मैं तुझे रब की कसम देता हूं, बता इस छोटी उम्र में इतने ऊंचे रुतबे कैसे पा लिए तूने कि तेरे थूक के चंद कतरे कुएं को मुनकलिम कर देते हैं और कुआं फवारा बन जाता है। वो फिर हंस पड़ी, कहने लगी इतने बड़े आलिम है ये भी नहीं जानते कि ये रुतबे कैसे मिलते हैं। मैंने कहा मैं कुर्बान जाऊं तेरे लफ्जों के, मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं, बता मेरी बेटी इस उम्र में इतने ऊंचे रुतबे कैसे पा लिए। तो वो कहने लगी चाचा फिर सुन, बेकसरत सलाते अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाचा मेरी छोटी उम्र ना देख, इस छोटी उम्र में भी मैं हर वक्त अपने नबी पे दरूद पढ़ती रहती हूं। चाचा मेरी छोटी उम्र न देख, इस छोटी उम्र में भी मैं हर वक्त अपने नबी पे दुरूद सलाम पढ़ती रहती हूँ। मैं सहेलियों में खेलती भी हूं तो हुजूर पे दुरूद पढ़ती रहती हूँ, मैं खाना भी खाऊं तो अपने नबी पे दुरूद पढ़ती रहती हूँ। और चाचा जो जुबान हर वक्त मदीने वाले पे दुरूद पढ़ती रहे उसमें ये तासीरें आ ही जाती हैं। अब कर ले मुझे, वो कहते हैं मैं जब पानी की तरफ झुका ना, किनारे से बाहर पानी जा रहा था, उसने फिर मुझे आवाज दी, कहते हैं बच्ची बोलती थी तो मुंह से फूल झड़ते थे, इतनी फसी और बलीग बच्ची थी, इतनी फसाहत तो बलागत वाली बच्ची थी। तो कहने लगी चाचा जानते हैं वो कौन है कि जिन पर दुरूद पढ़ के ये रुतबे मिलते हैं। मैंने फिर उसकी तरफ देखा, मैंने कहा मैं जानता तो हूं लेकिन लगता है पहचानती तू ज्यादा उन्हें, मैं बेटी तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं, बता वो कौन है। कहते हैं फिर बोली और फूल झड़े उसके मुंह से। कहने लगी चाचा वो हैं इजा मशाफिल बर लकफर ताल्लकतिल वहुशो बियदियाले, वो इतने करीम हैं जंगल में भी चले जाए ना तो वैशी दरिंदे झाड़ियां छोड़कर उसकी काली कमली से लिपट जाते हैं, इतने करीम नबी।